भाई साहब बात दरअसल ये है। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, अगर गाड़ी नहीं है तो बाद में दे दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो चेक भी दे सकते हैं। कोई मसला नहीं है कोई। क्यों बेटा? भाई मेरा बेटा बहुत सिद्धी है, जिस चीज की भी ख्वाहिश करता है ना उसको हासिल करके ही बन लेता है। तो सीन ही कुछ और लग रहा है। दूल्हे का बाप को ज्यादा ही सियाना लग रहा है। अगर आपको जहेज में गाड़ी चाहिए थी तो ये बात पहले बता देते। ये बातें बताने की नहीं होती, आजकल तो गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बेटी को जहेज में गाड़ी देता है। भाई शहनशाह अली खान का खानदान कोई गरीब खानदान नहीं है, आप लोग चाहें तो गाड़ियों के ढेर लगा दे हा? और चाहें तो लाशों के भी ढेर लगा सकते हैं। दलहन वाले भी कम नहीं है, ये तो लाशों की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे लोग ऐसा दी होना चाहिए। आप लड़की के चचा हैं, आप मेरे बेटे को तसल्ली दें कि उसे गाड़ी मिल जाएगी। जी हाँ जी नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जानते बूझते हुए अपनी बच्ची को जहन्नम में नहीं धकेल सकते। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि हम जानते बूझते हुए अपनी बच्ची की शादी ऐसे लालची लोगों में नहीं कर सकते। मामे ये तो सीन ही मुक्के है। और अभी का मुक्का है, दूल्हे का दो चार चमार तो पड़ने दे। अभी तो खड़ा रहे, पागल हो गया क्या? गोए आप लड़की की शादी नहीं करेंगे। ओ बड़ाऊ कान घर छोड़कर आए? अब्बा मेरी गाड़ी। गाड़ी चाहिए तुझे? जरूर मिलेगी, अभी मंगा दे तेरे लिए एम्बुलेंस। अब्बा सुना आपने, ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो मुन्ने। देख लूंगा मैं तुम सबको, अच्छी तरह से देख लूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? पहले नहीं जानते थे मगर अब जान गए हैं कि आप कौन है। तुम लोग पागल हो गए, पागल अपनी बच्ची के साथ जुल्म कर रहे हो, वो भी सिर्फ गाड़ी की वजह से। हम लोग चले गए तो कौन करेगा इस लड़की से शादी? आपके भतीजे की शादी कौन करेगा? तुम्हारी बहन से शादी कौन करेगा? कौन करेगा? देख लेंगे हम। हाँ, 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 कौन करेगा? देख लेंगे हम, क्यों नहीं करेगा कोई? कौन करेगा? मैं करूँगा।